हेलो बच्चों, वेलकम टू दी नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ड्रॉ दी शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस कंडीशन। आपको एक कैंटिलीवर बीम दे रखी है जिसके ऊपर यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ये लोड कौन सा है? यूडीएल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसका मतलब ये होता है, पहले इसकी यूनिट समझ, यूनिट किसमें होती है इसकी? किलो न्यूटन पर मीटर। मान लीजिए आपको 20 किलो न्यूटन पर मीटर दे रखा है या 30 कुछ भी दे रखा है, उसकी यूनिट हमेशा होती है लोड पर यूनिट लेंथ में। तो लोड कैसे बनता है? जब इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब जाकर लोड। अभी लोड नहीं है, ये होता है लोड पर यूनिट लेंथ। जब लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब जाकर लोड बनता है या फोर्स बनता है। एग्जांपल समझिए, मान लीजिए जो आपके घरों की रूफ होती है, छत होती है, तो इसका जो सेल्फ वेट है उसको आप यूडीएल मान सकते हो, क्योंकि जो हमारे घरों पे छत होती है उसका वेट क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, तो उसको यूडीएल की तरह हम एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। चलिए इसका मेथड क्या रहेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले रिएक्शंस निकाल लेते हैं ए पॉइंट पे। ठीक है, तो आपको पता है रिएक्शंस इसके अंदर कौन कितनी रिएक्शंस होंगी? अभी मैक्सिमम 3 हो सकती हैं, बट इस केस में कितनी है? 2 रिएक्शंस होंगी। पहली होगी वर्टिकल रिएक्शन, दूसरा होगा मोमेंट। चलो पहले निकालते हैं रिएक्शन एट ए। ए पे रिएक्शन क्या? समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0। तो एक डाउन में है तो ये कंप्लीट लोड डाउन में है, तो इसमें क्या होगा? अपवर्ड। तो डायरेक्शन क्या है इसकी? अपवर्ड। लोड क्या होगा? W इंटू एल। कितना होगा? W इंटू एल। तो कितनी रिएक्शन आएगी, क्या वैल्यू रहेगी रिएक्शन की? W इंटू एल। क्यों किया हमने? क्योंकि W तो किलो न्यूटन पर मीटर है, L लेंथ इसकी L है, तो L मीटर से जब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तब जाके ये लोड बनेगा। तो इतनी वैल्यू है रिएक्शन की। अब आते हैं मोमेंट। मोमेंट कितना है ए पॉइंट पे? मोमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले बताइए फोर्स कितना है या लोड कितना है? डब्ल्यू इंटू एल। पहले बन गया लोड, डब्ल्यू इंटू एल। अब बताइए डिस्टेंस कितनी है, कहां पर लगता है? यूडीएल हमेशा सेंट्रॉइड पे लगता है। कहां पे लगता है? चाहे यूडीएल हो चाहे यूवीएल हो, वो हमेशा सेंट्रॉइड पे लगते हैं। जो एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड कहां पर होता है? सेंटर में। तो L by 2 पे लगेगा। कहां पे लगेगा? L by 2। तो ये क्या हो गया? L by 2। तो वैल्यू क्या आ गई आपकी? WL square divided by 2। और डायरेक्शन क्या होगी? ये लोड कर रहा है क्लॉकवाइज, तो A पे कैसा मोमेंट क्रिएट होगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि रिएक्शन है ना, रिएक्शन हमेशा जैसा फोर्स एक्शन होता है उसके अगेंस्ट में लगता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे कैलकुलेट हो गए हैं। अब निकालते हैं शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। चलिए तो सबसे पहले करते हैं शियर फोर्स डायग्राम। समझिए क्या मैंने क्या सिखाया था आपको, कि सबसे पहले बीम को सेक्शन में डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर तो पूरी बीम एक जैसी है, सिमेट्रिक है, तो एक ही सेक्शन बनेगा आपका। ठीक है, फोर सेक्शन ए बी। ठीक है, ए बी सेक्शन के लिए आप क्या कीजिए, आप किसी भी जगह पर एक किसी बीम के किसी भी लोकेशन पे एक सेक्शन लीजिए और उस पे आप शियर फोर्स निकाल दीजिए। मैं यहां पर निकालता हूं एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम दी फ्री एंड। फ्री एंड से कोई एक्स डिस्टेंस पे आप एक सेक्शन लीजिए एक्स एक्स और उस पे शियर फोर्स निकाल दीजिए। चलिए निकाल लेते हैं शियर फोर्स क्या होगा। तो शियर फोर्स आपको दिख रहा है कि डब्ल्यू इंटू एक्स होगा, डब्ल्यू इंटू एक्स, क्योंकि W तो हो गया लोड पर यूनिट लेंथ और लेंथ कितनी है x, तो क्या हो गया W इंटू एक्स। अब क्वेश्चन है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। देखिए डायरेक्शन याद कीजिए, मैंने आपको ये पॉजिटिव बताया था, तो राइट साइड में डाउनवर्ड पॉजिटिव है, तो ये भी मेरे राइट साइड में है, इस सेक्शन के राइट में है ना ये लोड, तो डाउन में है, तो क्या होगा? पॉजिटिव। कैसा लेंगे हम? पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब एक बी पॉइंट पे निकाल लेते हैं और एक सेंटर पे निकाल लेते हैं और ए पॉइंट पे निकाल लेते हैं। चलिए पहले बताइए मुझे बी पॉइंट पे कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0। तो W इंटू 0 क्या हो गया? 0। अब निकाल लेते हैं सेंटर पे सी पॉइंट पे, तो सी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या? L बाई टू। तो W इंटू L बाई टू।
अब निकाल लेते हैं ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बढ़ते बढ़ते एल बन जाएगा, क्या बन जाएगा एल, तो ये क्या हो गया डब्ल्यू इंटू एल। तो मैंने शियर फोर्स में तीन वैल्यू निकाल ली है, एंड पे, सेंटर पे और ए पॉइंट पे। चलिए अब डायग्राम प्लॉट करते हैं। देखिए डायग्राम बिल्कुल आपको बीम के नीचे बनाना होगा। चलिए शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं। तो शियर फोर्स डायग्राम जब मैं बनाऊंगा तो मेरी वर्टिकल एक्सिस क्या शो करेगी शियर फोर्स, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस क्या शो करेगी आपकी डिस्टेंस। तो मान लीजिए ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट आपका सी है, और ये पॉइंट आपका ए है। तो बी पे बताइए कितना शियर फोर्स है, जीरो। कितना है, जीरो, ठीक है। सी पे कितना है, एल बाई टू, पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में कहीं पर यहाँ होगा। और आपका ए पे कितना है, डब्ल्यू एल, तो कुछ इस टाइप से बनेगा आपका, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी है, डब्ल्यू एल बाई टू, और यहाँ पर कितनी वैल्यू है, डब्ल्यू एल, ठीक है। तो ये डायग्राम बन गया आपका। ये देखिए डब्ल्यू एल यहाँ पर है, और डब्ल्यू एल ही ए की वैल्यू थी, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। तो मतलब ये बंद हो गया, क्लोज डायग्राम तभी बनता है। देखिए आपने यहाँ से निकालते गए तो ए पॉइंट पे कितना है डब्ल्यू एल, और डाउन में ए पे कितना है, अपवर्ड में डब्ल्यू एल है, तो ये यहाँ पर क्या आ गया, जीरो आ गया। एक्चुअल में यहाँ पे गए आप तो ए पॉइंट पे क्या था, डाउन, इसीलिए क्लोज बन गया। ये क्लोज डायग्राम इसलिए बन पाया क्योंकि ए पॉइंट पे जितनी हम निकाल रहे हैं उतनी रिएक्शन भी आ रही है। फोर्स कितना डेवलप हो रहा है, डब्ल्यू एल, और रिएक्शन भी कितनी डेवलप हो रही है, डब्ल्यू एल, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये बन गया मेरा शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम बिल्कुल सिंपल है, आपको शियर फोर्स की वैल्यू निकालनी है और वो यहाँ पर शो करनी है। डायग्राम ऐसा डायग्राम जिसमें शियर फोर्स की वैल्यू शो कर सके उसी को बुलाते हैं शियर फोर्स डायग्राम। क्या बुलाते हैं, शियर फोर्स डायग्राम। अब निकालते हैं मोमेंट। चलिए अब मोमेंट निकाल लेते हैं, मोमेंट निकालेंगे और उसका डायग्राम बनाएंगे हम। चलिए अब निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। नेक्स्ट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट का भी वही मेथड बताया था मैंने आपको, पूरी बीम को सेक्शन में डिवाइड कर लो। यहां पे तो एक ही सेक्शन है, तो फोर सेक्शन ए बी, किसी भी लोकेशन पे आप मोमेंट की वैल्यू निकालिए, क्या होगी मोमेंट की वैल्यू, एक्स डिस्टेंस पे मोमेंट की वैल्यू निकालिए, क्या होगी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, डब्ल्यू इंटू एक्स, डब्ल्यू इंटू एक्स। अब डिस्टेंस कितनी है, देखिए ये यहां से यहां तक जो यूडीएल है इसके सेंटर में लगेगा, सेंट्रॉइड पे एक्ट करेगा, ये सेंट्रॉइड कहां पर होगी, एक्स बाई टू पे, तो डिस्टेंस क्या हो गई, एक्स बाय टू। ये तो लोड की वैल्यू है, ये डिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है। अब है पॉजिटिव या नेगेटिव, देखिए ये मोमेंट इस टाइप से क्रिएट कर रहा है, मैंने आपको बताया था ये वैल्यू क्या होती, नेगेटिव। ये वाला मोमेंट राइट साइड में है और क्लॉकवाइज मोमेंट दे रहा है, तो कैसी वैल्यू होगी, नेगेटिव। तो आपको नेगेटिव लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्या लिखना पड़ेगा, नेगेटिव। क्या वैल्यू है इसकी, नेगेटिव। तो वैल्यू क्या आ गई आपके, माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, तो ये आ गया हमारा एन एक्स। चलो आप वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले निकालिए बी पे, एट पॉइंट बी एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, तो मोमेंट भी क्या हो गया, जीरो, डब्ल्यू इंटू जीरो, जीरो हो जाएगा आपका। अब निकालिए सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे एल की वैल्यू क्या है आपकी, एल बाय टू, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल बाय टू, तो माइनस डब्ल्यू बाई टू इंटू एल बाय टू का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, माइनस डब्ल्यू बाई टू इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फोर, तो ये आ गया माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। अब निकालते हैं ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे क्या आएगा, ए पॉइंट पे आपका हो जाएगा, ए पे एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, एल, तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, ठीक है, ये बन गया। अब डायग्राम बनाते हैं इसका। चलो डायग्राम देखिए, बी पॉइंट पे क्या होगा, बी पॉइंट पे जीरो है, सी पॉइंट पे देखिए कितना है, सी पॉइंट पे माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट है, कहीं पर यहां पर होगा, ए पॉइंट पे क्या है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई एट। अब देखिए इक्वेशन किसकी है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है पैराबोलिक इक्वेशन है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोला की। नेगेटिव का मतलब है इस टाइप से बनेगा आपका, ठीक है, इस टाइप से बनेगा। ये हो गया बी पॉइंट आपका, ये हो गया सी पॉइंट, ये हो गया ए पॉइंट।
ठीक है, ए यहां पर वैल्यू कितनी है आपकी डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, और यहां पर वैल्यू कितनी है आपकी डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एट, ठीक है। ये बन गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ओके, तो रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि अगर कैंटिलीवर बीम पे कंप्लीट लेंथ पे अगर यूडीएल लगा हो तो कैसे आप शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। थैंक यू।